ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति है, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको ये पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वो बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि ये जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है ना, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वो व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ, अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो इस काम को, अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसा वो चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वो उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वो धन उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वो पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में वो पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वो अच्छे कार्य में कम जाता है लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका वो धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती है जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वो किसी न किसी से पैसा उधार ले लेता है ये सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, जिसके चलते उसके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और वो उस कर्जे को चुकाने में धीरे धीरे असक्षम होता चला जाता है। उस कर्जे को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है कर्जे को अपने सर से उतारना। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के है यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए। तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएगी, साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी है
आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके घर में धन की वर्षा होने लगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींच कर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय है, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें, और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख ले और उपायों को अच्छे से समझ ले, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले माता शेरोवाली के लिए जयकारा लगा दे। आप चाहे तो अपने ईस्ट देव का जयकारा लगा दीजिए। किसी का भी आप जयकारा लगाएं, लेकिन जयकारा जरूर लगाएं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वो उपाय। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गए, सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दे कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैवीय शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें समी के पेड़ की, तो समी का जो पेड़ होता है, उसे शनि देव की तरह ही देखा जाता है कि शनि देव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े के पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दे कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं, और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वो फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दे कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं,
तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लानी है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझे। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेट कर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप ये माला पहनाएंगे उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जप कर ले। उसके बाद आप माता रानी को ये माला अर्पित कर दे। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है, और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है, और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्थ्य बनाना है, और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्थ्य का आपने बनाया है उस स्वास्थ्य के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी है तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्थ्य पर रखने हैं। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको उस स्वास्थ्य पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, और जब आप चावल स्वास्थ्य पर डालेंगे तब भी आपको महालक्ष्मी नमक का जप भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्थ्य के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है, और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पे उस माला पर आपको वो सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है, और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते, मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कॉमेंट में जरूर बताए, और हाँ, कॉमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।